हाइट एंड डिस्टेंस में बस क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये है, ये एक टावर है या कुछ ऐसे आपको दे दिया गया, ये एक टावर आपको दे दिया गया, और यहाँ पर जो है ऑब्जर्वर है वो इस टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो वो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, मतलब हॉरिजेंटल से उसका एंगल एलिवेट करता हुआ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कह देते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लो कि अब मान ली हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना, किसी हाइट पर, ऑब्जर्वर किसी हाइट पे खड़ा है, तो वो बेस के किसी पॉइंट को अगर देख रहा है तो इसका मतलब अब वो क्या करेगा, हॉरिजेंटल से एंगल नीचे की तरफ देखेगा इस पॉइंट को देखने के लिए, तो इस वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिप्रेशन, डिस्पर्सन, समझ गए कि नहीं। तो ये हो गया हॉरिजेंटल से एलिवेट करता हुआ एंगल जब बनता है तो उसे हम कहते हैं एलिवेशन, और हॉरिजेंटल से जब आप क्या करते हैं नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, ऑब्जर्वर ऊपर की किसी हाइट पर होता है तो जो एंगल बनता है उसे, मेरी बात समझ में आ गई। बस यही दो हैं, अब इसी में आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के अलग अलग टाइप की सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशन में आपको हाइट निकालना, डिस्टेंस निकालना। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या कहा गया कि दो पोल हैं, मान लो ये है, सपोज हमने कहा कि एक पोल, सपोज एक पोल ये है जो कि ग्राउंड से किसी हाइट पर है 5, और एक पोल ये है, तो एक पोल 5 है और एक पोल 10 है, ऐसा ऐसा है ना, तो एक पोल ये 5 का हो गया और एक पोल ये 10 का हो गया। अब कह रहा है कि जो इनकी क्या है लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, इनके टॉप को जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही है जाके, बोलो, 15 डिग्री। यही तो है, बोलिए भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही तो कह रही है। अच्छा, ये हाइट 5 है इस टावर की हाइट, और इस टावर की हाइट 10 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स आपको निकालना है, तो बस ये लाइन आप ज्वाइन कर दो यहाँ से, ये एंगल भी कितना हो गया 15 डिग्री, ये लेंथ एक्स हो गई, ये पूरी हाइट 10 है, ये 5 है, तो ये हाइट कितनी बची, 5। अब यहाँ पर आपको क्या लगा देना है बताओ, 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री इक्वल टू 5/x, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5/10 15 डिग्री। और आपने पढ़ा है 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्विक कोई बताएगा 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस रूट 3, वही √3 - 1/√3 + 1, तो 5/2 - √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो 5 2 + √3 आ गया। दिखा, आंसर इज सी, समझ में आया कि नहीं बताओ भाई। यस सर, वही कन, तो इसमें क्या कहा गया है कि दो पोल दिए थे आपको किसी हाइट पर अलग अलग, एक 20 का था, 20 हाइट का था एक पोल, और एक पोल 80 का था, ऐसा था ना, फिर दोनों के फुट आपने ज्वाइन किया, एक इसका ज्वाइन किया और एक इसका ज्वाइन किया, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसकी हाइट आपने पूछी थी, ये हाइट आपसे पूछी गई क्वेश्चन में ना, बोलो, ये 20 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, और इसकी हाइट आपने एच मान ली, यही हाइट आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा हो तो बोलो, बोलिए भाई, यही हाइट आपसे पूछी गई है ना, हाँ या ना, बोलिए। तो अब मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, मान लिया सबने कि नहीं, ये एक्स है, ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ वाई है। अब अगर हम पॉइंट इंडिकेट करें तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो सी है, ये डी है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, ये एफ है, तो अगर मैं ट्रेंगल ए ई बी कहूँ तो वो सिमिलर होगा ट्रेंगल ए सी डी से, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ए बी बाई ए सी जो है वो बी ई बाई सी डी होगा, हाँ या ना, तो यहाँ से आएगा x/x + y = h/80, पहला रिजल्ट। ऐसे ही मैं कहूँ कि ट्रेंगल सी ई बी सिमिलर होगा किसके, ट्रेंगल सी एफ ए के, तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं देखूं तो BC बाई CA जो है वही आएगा आपका BE बाई AF के बराबर, तो यहाँ से आएगा y/x + y = h/20,
बस यही दोनों इक्वेशन है, दोनों को उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच अपॉन 80 प्लस एच अपॉन 20 आएगा। यही वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना, 4, 5h अपॉन 80 इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू निकल आएगी। 5h अपॉन 80 इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू 16 आ जाएगी। ऐसे ही सॉल्व किया होगा सबने ना, बोलो भाई। यस आंसर 16 आ गया। तो बस नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज करनी थी, सीधा आंसर आ जाता। चलो अगला वाला, ये वाला करो। सर इसका a आ रहा है 15 3 plus root 3। 15 3 plus root 3 a बता रहे हैं भाई इसका आंसर, बाकी लोग बताओ a ही आ रहा है क्या? यस सर। देखिए भाई इसका आंसर a बता रहे हैं, a ही आ रहा है क्या? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, सबका आंसर ए आ रहा है क्या? देख लो, सही है। इसमें क्या कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। ये एक वर्टिकल टावर है, यहाँ से इसका आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो ये 45 डिग्री दिया हुआ, यही तो है, ये एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। फिर क्या कह रहा है कि एक पॉइंट ए है ऑन द प्लेन ये, फिर बी बी दी पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द ए, ए से 30 मीटर आप ऊपर गए, है कि नहीं? तो आपको एक पॉइंट मिला बी, वहां से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आप निकालेंगे वो हो गया 30 डिग्री। देख लो आराम से, यहाँ से जब आप इसका एलिवेशन निकालेंगे तो वो एलिवेशन कितना बन गया, 30 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो लेंथ ये 30 दी हुई है, तो आपसे पूछा गया है देन द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। देख लो सब लोग, तो अगर हम इस पूरे की हाइट h मान लें तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी, h माइनस 30, और ये हाइट x मान लो, है कि नहीं? तो एक तो सीधा इक्वेशन लगा दो पहले 10 45, तो वो h बाई x आ जाएगा, तो h और x बराबर आ जाएंगे, पहला इंफॉर्मेशन ये हो गई। और यहाँ से लगा दो 10 30, तो 10 30 कितना आ जाएगा, h माइनस 30 बाई x। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू h रूट 3 माइनस 30 रूट 3, तो इसका मतलब h कितना आ गया, बोलो, यहाँ से आ गया ना रूट 3 माइनस 1, तो 30 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो इसी से डिवाइड कर दो, तो 30 रूट 3 रूट 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना, 2, तो आंसर कितना आ गया 15 3 plus root 3, यही आ रहा ना ए आंसर, सबने यही निकाला है ना भाई? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो किसी को तो बताएं, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन। इसमें ना एक ट्रायंगल की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज होगी जो आप प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल के टाइम पे पढ़ेंगे भाई। इसमें आपसे कहा गया एबीसी जो है और एसी का मिड पॉइंट है, तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगुलर पार्क होगा, सॉरी थोड़ा ढंग का बनाया जाए, ट्रेंगुलर पार्क, ऐसा कोई ट्रेंगुलर पार्क होगा, ठीक है ना? Yes. तो ये मान लो क्या है, ए नहीं नहीं ए मत मानो, ये बी कह दो, ये ए कह दो, ये बी कह दो और ये सी कह दो, और इसी के मिड पॉइंट पर एक टावर खड़ा है ना, लैम्प पोस्ट है मतलब, ठीक है? ये लैम्प पोस्ट जो है बी पर एंगल सबस्टेन कर रहा है कितना, 30 डिग्री, और ये इसके मिड पे है ना, और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, ऐसी है सिचुएशन। अच्छा लेंथ ए बी की दी हुई है 7, बी सी की दी हुई है 5 और इसकी 3 और 3 6 है ना, और आपको इस लैम्प पोस्ट की हाइट बतानी, ये है क्वेश्चन। तो ये वाला एंगल तो 90 होगा, अगर किसी तरीके से आपको ये हाइट मिल जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं, बताओ? अरे हाँ ना, अब एक थ्योरम होती है जो आप पढ़ेंगे, अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और आपने ये मीडियन ज्वाइन किया है एडी, तो जो एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर होता है वो 2 times ऑफ बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर के बराबर होता है, ये थ्योरम ध्यान रखिएगा, इसी का यूज होगा, इसे अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना? इसी थ्योरम को यूज करके आप बीडी की लेंथ निकाल लेंगे। अब बताओ बीडी की लेंथ सब लोग निकाल लोगे कि नहीं, बोलो भाई? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 times ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बताओ?
अच्छा ए बी स्क्वायर मतलब 49, बी सी स्क्वायर मतलब 25 बाई टू इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर तो आपको चाहिए, और ए सी ए डी स्क्वायर कितना हो गया, 6 नहीं 9। क्या ये थ्योरम समझ में आई? अब बताओ यहाँ से बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70, 37, 74, 28। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2√7। एक बार बी डी आ गया तो ट्रेंगल, इसको अगर हम ई कह दें तो ट्रेंगल बी डी ई में अगर हम 10√30 लगा दें तो 10√30 कितना होता है, एच बाई बी डी, तो एच की वैल्यू निकल आई 2√7/√3, मतलब 2√21/3। है कोई ऑप्शन, मतलब 2√21/3 आंसर आ गया। दिखा सबको कि नहीं बताओ, लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो बस इसमें आपने ये वाली थ्योरम एक्स्ट्रा में यूज कर ली, इस वाली लेंथ को निकालने पर, ये मीडियन ही है। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आएंगे, वहीं से आपको आंसर करना है। भाई ये एक ट्रेंगुलर पार्क आपको दिया हुआ है, अरे ये कैसा बन गया पार्क, ऐसा एक ट्रेंगुलर पार्क आपके सामने। तो अब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये दोनों सेम है, ये भी 100 है और ये भी 100 है। इसी के मिड पॉइंट पर एक टावर है शायद ना, वर्टिकल टावर, हाँ इसी के मिड पॉइंट पे एक टावर है। इसी टावर का ए और बी से एलिवेशन दिया हुआ है, यानी कि ए से एलिवेशन दिया हुआ है और इसी टावर का बी से एलिवेशन दिया हुआ है, ये दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं, है कि नहीं? और ये शायद इसके मिड पे है ना, नहीं मिड पे नहीं है, नहीं मिड पे ही है बी सी के। तो ये और ये, हाँ ये और ये लेंथ सेम है, इसको डी कह देते हैं, और ये पीक पॉइंट पी है। इसी टावर की हाइट आपको निकालनी, ये है क्वेश्चन। अच्छा ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो थीटा कितना दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 3√2, मतलब हमें कॉट थीटा की वैल्यू पता है 3√2, और अल्फा हमें कितना दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स 2√2, मतलब हमें कॉसेक अल्फा पता है कितना, 2√2। तो जहां हमें जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम दोनों को यूज कर लेंगे ना। अरे हाँ या ना, अब आओ ध्यान से देखना। अगर हमको ये तो पता है कि ये आइसोसेलिस ट्रेंगल है, और आइसोसेलिस ट्रेंगल में अगर हम मीडियन खींचेंगे ये वाला, तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, ये ओके हुआ पहला इंफॉर्मेशन। अच्छा ये एंगल 90 है ही टावर का, ये भी एंगल टावर का 90 है, तो तीन ट्रेंगल हमारे सामने बने मिल गए। सबसे पहले इस वाले ट्रेंगल से हम इस हाइट को निकालेंगे इसके टर्म में, ठीक है, फिर इस वाले ट्रेंगल से इस हाइट को निकालेंगे इसके टर्म में, तो वह एच के टर्म में आ जाएगा, फिर इस वाले ट्रेंगल में टेन अल्फा लगा के आंसर लिख देंगे। एम समझ में आया क्वेश्चन का? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेंगल ए डी पी में आओ, जैसे ए डी पी में आओगे तो टेन थीटा जो होगा वो एच अपॉन ए डी होगा, तो ए डी की वैल्यू एच कॉट थीटा हो जाएगी, और कॉट थीटा आपको पता ही है, तो वो हो जाएगा 3√2h। चलो ए डी तो मिल गया। अच्छा इसके बाद ट्रेंगल ए डी बी में आओ, तो जो बी डी स्क्वायर होगा वो होगा 100 का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, यानी वो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 18h स्क्वायर। चलो बी डी का भी रूट मिल गया। इसके बाद लास्ट वाले ट्रेंगल में आ जाओ, लास्ट वाला ट्रेंगल क्या है, पी बी डी में, पी बी डी में अगर आप 10 अल्फा लगाओगे तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन बी डी। अच्छा 10 अल्फा कॉसेक अल्फा पता है, अगर आप यहाँ से 10 अल्फा निकालोगे तो 1/√7 हो जाएगा, तो इसका मतलब बी डी जो है वो कितना हो जाएगा, एच रूट सेवन। तो बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 18h स्क्वायर इक्वल टू 7h स्क्वायर, यानी यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 100 स्क्वायर बाय 25, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ, 20। देखो जरा ये आंसर हो गया। क्या है लॉजिक और क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो, सबसे पहले हमने ये हाइट निकाली h के टर्म में, फिर ये हाइट निकाली h के टर्म में, और फिर सीधा ट्रायंगल बना के सॉल्व कर दिया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। समझ गए सब लोग कि नहीं भाई, बोलिए इनका डाउट, क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं, बोलो भाई जल्दी से, आया ना, सारा एकदम सही बताया इन्होंने। तो भाई क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना था, मतलब जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा, भाई ये मान लो हिल है कि नहीं, और ये वो डिस्टेंस है, तो पहले स्टार्टिंग में उसका जो एंगल दिया हुआ है, स्टार्टिंग में जो उसका एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ये एंगल 45 दिया है कि नहीं बताओ,
अब आप यहां से 30 डिग्री एंगल पे चलना शुरू करते हैं, कितना 80 मीटर है ना, तब जो ये वाला एंगल बन जाता है वो कितना बन जाता है, 75 बन जाता है। अब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, यही तो है सिचुएशन, और ये 80 दिया हुआ है, बस ये है क्वेश्चन। तो हम सिंपल काम क्या करते हैं, यहां से इस पर ये ड्रॉप कर लेते हैं, ऐसे ही तो सॉल्व किया होगा भाई, बोलिए। अब ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, आया ना, और ये हाइट 80 दी हुई है, तो क्या ये वाली हाइट निकल आएगी बताओ, बोलिए, ये हाइट निकाल लोगे कि नहीं, ये वाली बताओ, और ये वाली हाइट भी निकाल ही लोगे, नहीं। अगर इस हाइट को हम h कह दें, तो ये एंगल 45 था, तो tan 45 के हिसाब से ये वाली हाइट भी पूरी h हो जाएगी, हाँ या ना। तो अगर हम यहां से tan 30 लगाएं और इसको x कह दें और इसको y कह दें, तो tan 30 कितना हो जाएगा, x अपॉन y, tan 30 नहीं लगाओ, यहाँ लगाओ कितना, sin 30, क्या कहते हो, sin 30 x अपॉन 80 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 क्या, और cos 30 लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, y अपॉन 80 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40√3, हाँ या ना। तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी, h माइनस 40√3, बोलो, यही हाइट ऊपर हो जाएगी। अब यहाँ पे tan 75 लगा दो, तो tan 75 कितना हो जाएगा, h माइनस x अपॉन कितना, h माइनस 40√3, बोलो भाई सही लिखा है मैंने कि नहीं, और tan 75 की वैल्यू क्या 2+√3 होती है, बोलो, बोलिए भाई, समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं, बस इसी को सॉल्व कर दो, तो h 2+√3 इज इक्वल टू 40√3 इंटू 2+√3 माइनस 40, देख लीजिए आराम से, तो 40 कॉमन, 2√3+3-1, तो 80, ये बनेगा 2√3+1, देख लो आराम से, यही आ रहा है कि नहीं सबका, h 2+√3, नहीं ये सर 2+√3 आ जाएगा ना, देखो कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया क्या मैंने, अरे हाँ भाई देखिए जरा, 40 पूरे से कॉमन किया तो 2√3, हाँ ये 2+√3 आएगा ना, देखो कैलकुलेशन ठीक है ना, हमने बस 10.45 की वैल्यू रख दी है, सॉरी 10.75 की वैल्यू ये होती है ना 2+√3, मतलब एक यहाँ पर एच भी होगा ना, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, देख लीजिए सब लोग, कैलकुलेशन सिंपल सा था, इससे ज्यादा करने की जरूरत आपको थी नहीं, है कि नहीं, समझ गए होंगे, सब्टी बता रहा है, यस सर, सही है, मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाटर सरफेस है, इससे 25 मीटर की हाइट पर एक पॉइंट पी लिया गया है ना, और यहाँ पर कहीं क्लाउड है, ये इसका इमेज यही वाटर सरफेस पे बन रहा होगा, यही आपको हाइट आपको बतानी, ये वाली है ना। अच्छा, स्टार्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वाला जो एंगल दिया हुआ है सरफेस से ऊपर की तरफ, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, कितना, 30 डिग्री क्या, यस सर, और इसी का जो आप डिस्पर्शन एंगल यहां से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60, और इसकी हाइट कितनी दी, रिफ्लेक्शन का 60 डिग्री है क्या, हाँ रिफ्लेक्शन का 60 डिग्री है ना, ये तो लिखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है उसका एंगल इसी पॉइंट पी से डिप्रेशन 60 डिग्री है, बोलो भाई यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, तब आपको ये टोटल हाइट एच कैलकुलेट करनी, यही तो है सिचुएशन, देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर रिफ्लेक्शन तो लेक के ऊपर होगी, तो जो इमेज होगी वो तो लेक के नीचे आएगी, लेक के नीचे जाएगा ना रिफ्लेक्शन, लेक के नीचे ही तो है, तो वाटर क्लाउड आपको सर वो तो लेक है ना 25 मीटर पे, आपने लेक पे वो क्लाउड बना दिया है, वो और नीचे जाएगी उसकी इमेज, हमने क्लाउड कहाँ की तरह नहीं ट्रीट होगा ना इसमें यार, मिरर में फिर वो एंगल ऑफ वो भी तो होता है ना, ये रिफ्लेक्शन होता है,
तब ये इमेज सेम डिस्टेंस पे बन जाती है, बट अगर उसके साथ डेविएशन भी हो रहा होगा तो मिरर सेम डिस्टेंस पे नहीं बनती ना, वो तो तुम लोग ने पढ़ा होगा ना साइन म्यू एक साइन आर, वो फॉर्मूला पढ़ा है ना क्या होता है वो डेंसिटी के टर्म में कुछ इसका रिजल्ट होता है ना, उससे क्या होता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन भी आ जाता है। तो वो सब फिजिक्स की चीजें, वो छोड़ दो ना अभी के लिए, हमें ये अंदर मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो टेंशन मत लो। बोलिए भाई। यस सर। हाँ अब उससे सिंपलीफाई कर लो, ठीक है, तो क्या कर रहे हो बस ये बताओ। हाँ अब कैलकुलेशन समझाओ कैसे किया तुम लोगों ने। चलो कैलकुलेशन आपने कर लिया होगा, फालतू का डिस्कशन हो रहा है। हाँ या ना, तो सबसे पहले आपने 10:30 लगाया होगा, इस डिस्टेंस को x कह दिया होगा, तो यहाँ से क्या आया होगा h माइनस 25 बाई x, फिर आपने 10:60 लगाया होगा और इस डिस्टेंस को क्या कह दिया होगा, बोलो 25 बाई x। मैं सही बोल रहा हूँ क्या, नहीं ये बताओ। अरे बोलो, दोनों को आपने इक्वल कर दिया होगा, x x कैंसिल, तो h की वैल्यू सीधा 50 आ गई होगी, आंसर 50 दिया गया। समझ गए सब लोग कि नहीं, बोलो। यस सर। चलो उस चीज को वैसे ही कंसीडर कर लो अब, ठीक है, देखो। हाँ या ना, अब जरा 10:30 का फॉर्मूला लगाओ क्या आएगा, h माइनस 25 बाई x, अब 10:60 का फॉर्मूला लगाओ क्या आएगा, h प्लस 25 बाई x, ठीक है, तो पहले से x कितना आएगा, h माइनस 25 रूट 3, और दूसरे से x कितना आएगा, बोलो, h प्लस 25 बाई रूट 3, अब दोनों को बराबर कर दो, तो h माइनस 25 रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 25 बाई रूट 3, इसका मतलब 3h माइनस 75 इक्वल टू h प्लस 25, तो यहां से आएगा 2h इज इक्वल टू 100, बोलो, तब h की वैल्यू 50 आ रही है, यही कह रहे हो ना तुम लोग, अब ठीक है, ठीक है ना, तो इस सरफेस को एज अ मिरर, जबकि ऐसा होता नहीं, चलो फिजिक्स नहीं लगानी थी, मैथ लगानी थी, तो जितनी डिस्टेंस पे ऊपर क्लाउड है उतनी डिस्टेंस पे उसकी इमेज ले लेंगे ना। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट पी 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द क्लाउड इन मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, ठीक है, चलो वही रिफ्लेक्शन वाले को क्लाउड को अंदर ले लो अब, ठीक है, देखो मिरर की तरह ट्रीट कर लो अभी, ठीक। चलो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन किससे आता है, साइन रूल से ही आता है, डन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, साइन रूल। तो साइन रूल का फंडा एकदम सिंपल है, कोई भी ट्रेंगल आपको दे दिया जाएगा उसकी साइड, अच्छा ट्रेंगल के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है पहले वो समझ लो, किसी भी ट्रेंगल अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेंगल ए बी सी है, सही ना, इन अ ट्रेंगल ए बी सी, तो एकदम बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, पहली इंफॉर्मेशन। अच्छा ए पॉइंट इस एंगल को ए कहते हैं, कैपिटल ए इस एंगल को कैपिटल बी कहते हैं, इस एंगल को कैपिटल सी कहते हैं, मतलब ए वाला एंगल कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी होता है, ठीक है ना। अच्छा ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड स्मॉल सी, मतलब ए बी साइड सी स्मॉल सी होती है, बी सी साइड स्मॉल ए होता है, और सी ए साइड स्मॉल बी होती है, ये किसी भी ट्रेंगल के लिए जनरल लेजेंड है। इसके बाद तीसरा, सम ऑफ टू साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो ए प्लस बी हमेशा सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी हमेशा ए से बड़ा होगा, और सी प्लस ए हमेशा बी से बड़ा होगा, सही ना। ये ट्रेंगल के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, तभी आप ये ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जब भी नॉम मतलब आप वर्ड्स यूज करेंगे, तो अगर आपसे कहा गया स्मॉल ए, स्मॉल ए मतलब ए के सामने की साइड, आपसे कहा गया स्मॉल बी मतलब बी के सामने की साइड, तो आपसे कहा गया स्मॉल सी मतलब सी के सामने की साइड, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ठीक है। अब साइन रूल क्या कहता है कि भाई ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी है, सी के सामने की साइड स्मॉल सी है, तो साइड और उन एंगल्स के साइन का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है, मतलब ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इज कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट 2 times ऑफ कैपिटल आर के बराबर होता है, जहां पे कैपिटल आर इसकी सरकम रेडियस होती है, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, जहां पे कैपिटल आर इसकी सरकम रेडियस होती है। तो साइन रूल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कोई भी ट्रेंगल आप बनाएंगे, जैसे आपने एक ट्रेंगल बनाया ए बी सी, तो ए के सामने की साइड लेंथ ए लेंगे,
बी के सामने की साइड लेंथ बी लेंगे और सी के सामने की साइड लेंथ सी लेंगे, तो साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन, साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन, साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन, ये हमेशा रेशियो कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट 2r के बराबर होता है, जहां पे r इसकी सरकम रेडियस होती है, ये कांस्टेंट 2r के बराबर होता है, जहां पे r इसकी क्या होती है, सरकम रेडियस। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो ये साइन रूल होता है। तो साइन रूल कैसे यूज करेंगे भाई, एंगल और उसके सामने की साइड, एंगल और उसके सामने की साइड, मतलब जब भी आपको साइन रूल यूज करना होगा तो एंगल लेंगे और उसके सामने की साइड, मतलब साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन, साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन, साइड और उसके सामने वाले एंगल का साइन, ये रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। साइन रूल सबको समझ में आया कि नहीं बताओ, हाँ या ना? साइन रूल की बात सबको समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, बोलिए भाई। साइन रूल का स्टेटमेंट सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो। गुड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके सामने कोसाइन रूल। नेक्स्ट आपके सामने क्या आता है? कोसाइन रूल। अच्छा, कोसाइन रूल में आप क्या करते हैं, कोई भी ट्रायंगल आप कंसिडर करेंगे एबीसी, देखिए देखिए कोसाइन रूल का स्टेटमेंट और वो कैसे यूज होता है, मतलब अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में साइड और उसके सामने वाली साइड दी है और एंगल दिया और इसी रेशियो को यूज करना है, तो हमेशा साइन रूल यूज करते हैं। अच्छा, कोसाइन रूल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया और आपको कोई भी एंगल कमेंट करना है, तो एक उस एंगल को बनाने वाली दो साइड होंगी और एक उस एंगल के सामने की साइड होगी। तो जैसे हमें कॉस बी का रिजल्ट लिखना है, तो जो एंगल मेकिंग साइड है उनका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 2ac। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमें मान लो कॉस ए का फॉर्मूला लिखना है, तो ए एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, बी और सी, तो इनका स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सामने वाले का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 2bc। जैसे हमें सी लिखना है, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों एंगल बनाने वाली साइड यानी बी और ए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये होते हैं कोसाइन रूल, ये होता है कोसाइन रूल। समझ रहे हैं कि नहीं? कोसाइन रूल कैसे याद रखेंगे, समझ में आया कि नहीं? कोसाइन रूल की हेल्प से आप क्या करते हैं कि दो साइड और एक एंगल पता है, दो साइड और एक एंगल पता है, तो सामने वाली साइड लेंथ आप कोसाइन रूल लगा के निकाल सकते हैं। अगर आपको दो साइड और एक एंगल पता है उनके बीच का, तो सामने वाला एंगल आप कोसाइन रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। तीनों साइड पता है और आपको एंगल निकालना है, तो भी आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कोसाइन रूल क्या होता है, बोलिए। तो कोसाइन रूल का आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 2ac 2ac cos b। ऐसे भी आप यूज करते हैं, मतलब दो साइड आपको दी हुई है और तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो तीसरी साइड का रिजल्ट आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब किसी भी ट्रायंगल में, ये मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये साइड x और ये साइड y है और ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है और ये वाली साइड आपको निकालनी है, मान लेते हैं ये साइड आपने कह ली कुछ भी डी है, तो यहाँ पर आप डी स्क्वायर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy cos थीटा। ये रिजल्ट आप कोसाइन रूल से ही लिखते हैं अगर आपको दो साइड और एंगल पता है। तो इसका यूज कई जगह हो जाता है कि अगर आपको दो साइड और उनके बीच का एंगल इस ट्रायंगल में पता है, तो कोसाइन रूल आप ऐसे यूज कर सकते हैं। कोसाइन रूल सबको समझ में आया कि नहीं, बोलिए, हाँ या ना? तो कोसाइन रूल याद रखने की टेक्निक भी क्लियर हो गई होगी और कोसाइन रूल में कितनी इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है ये भी समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताइए, सही है? इसके बाद तीसरा रिजल्ट आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना? अच्छा, अब इसको प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं, उसका लॉजिक ये है कि कोई एक ट्रायंगल आपने बनाया, ठीक है ना, उस ट्रायंगल में आपने कहा दिस इज ए बी सी। अब आपको क्या करना है कि ये जो साइड लेंथ है कौन सी, सामने वाली ए के सामने की साइड लेंथ, इसमें दो प्रोजेक्शन है, एक तो आपने प्रोजेक्शन लिया है किसका, ए बी का, और एक आपने प्रोजेक्शन लिया है किसका, बीसी का। तो इस साइड लेंथ को हम इन दोनों प्रोजेक्शन के सम में लिख सकते हैं। तो अगर हम इस एंगल को बी कहें, ये साइड सी है, तो ये वाला प्रोजेक्शन आ जाएगा सी कॉस बी। अगर ये एंगल सी और ये साइड लेंथ स्मॉल बी है,
तो ये वाला प्रोजेक्शन आ जाएगा बी कॉस सी, और यही पूरी लेंथ कितनी होती है ए, तो यानी कि ए लेंथ जो है वो क्या है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी के बराबर, मतलब ए को बी और सी के टर्म में लिख दिया है। अब सोचो अगर हमें बी लिखना है तो बचे दोनों एंगल ए और सी, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, समझ में आया हाँ या ना। अब अगर हमें सी लिखना है तो बचे क्या ए और बी, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। क्या हमें प्रोजेक्शन फॉर्मूला लॉजिक वाइज समझ में आया कैसे लिखते हैं बोलो, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं कैसे प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा जा रहा है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बोलिए, कैसे प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा जा रहा है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। पहले मैं आपको सिंपल सी मतलब टेक्निक बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे दिमाग में रखना होता है आपको। जैसे ये ट्रायंगल है सही ना, ए बी सी, तो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो एक पेरीमीटर निकाला जाता है दैट इज 2s, तो वो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। तो स्मॉल एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, मतलब हाफ ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। तो अगर हमें ये वाला एंगल ए देखना है, ठीक है ना, तो अगर मैं कोई एक एंगल लिखूं, जैसे मैं साइन ए बाई टू लिखता हूँ, तो साइन ए बाई टू का रिजल्ट आता है रूट अंडर ए आ गया, बचे क्या बी और सी, तो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा यहीं पे अगर मैं कॉस ए बाई टू लिखूं तो ये हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, तो जैसे आप टेन ए बाई टू लिखेंगे तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, याद रखने की टेक्निक इतनी ही सी है, समझ में आया। ये सारे फॉर्मूले आप कॉस रूल से ही निकालते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपने कहां से निकाले, कॉस रूल से ही निकाले। कैसे भाई, अगर मैं कॉस ए का फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी। अब इसी को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले साइन लगाते हैं, पहले चलो कॉस वाला कर लेते हैं, तो टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन आया ना, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस टू बी सी डिवाइडेड बाई टू बी सी, तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू जो है वो निकल के आ जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर बी सी, दिख रहा है। इसी को आप लिख देंगे बी प्लस सी प्लस ए एंड बी प्लस सी माइनस ए और डिवाइडेड बाई फोर बी सी, यही आपका कितना आ गया 4s इंटू एस माइनस ए अपॉन 4bc, 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहां से cos a by 2 का रिजल्ट कितना आ गया दिखा सबको, रूट अंडर s s माइनस ए अपॉन bc, समझ में आया होगा सबको। अच्छा इसी रिजल्ट को आप साइन में अगर कन्वर्ट करो तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर a by 2, इसको आप क्या लिख दोगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc, अब सब एक तरफ ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 कितना आ जाएगा, ये सब एक तरफ ले आओ ना, यानी a स्क्वायर माइनस b माइनस c का या b प्लस c का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस सब एक तरफ ले आओ ना, तो 1 माइनस यानी 2bc और माइनस प्लस तो b माइनस c का होल स्क्वायर आएगा ना, ये b माइनस c का होल स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाई 2bc, तो यहाँ से साइन स्क्वायर a बाई 2 कितना बनेगा a प्लस c माइनस b और a प्लस b माइनस c और डिवाइडेड बाई 4bc और वही 2s, तो ये बन जाएगा 4 इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन 4bc, 4 और 4 कैंसिल, तो यहाँ से साइन a बाई 2 कितना आ रहा है रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन निकल आएगा। तो ये वही कॉस रूल की हेल्प से हाफ एंगल निकाले गए। तो अगर आपने ए बाई टू साइन ए बाई टू की बात की, समझ रहे हो, तो ए वाले एंगल में बी और सी, तो यानी एस एस माइनस बी बाई बी सी, जब आप कॉस की बात करेंगे तो सामने वाला एंगल देख लेंगे तो एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऊपर बी और सी वाले नीचे ए वाला। हाफ एंगल रिजल्ट दिमाग में रखने की टेक्निक समझ में आई, सोचो अब जल्दी से जरा मुझे लिख के बताओ, अगर मुझे साइन b by 2 लिखना होगा तो बचे एंगल a और c, तो s minus a s minus c बोलो और डिवाइडेड बाई ac,
का रूट लिखूंगा कि नहीं मैं बताओ। यहीं पे अगर मुझे कॉस बी बाई टू लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए एंगल बचा तो एस इंटू एस माइनस ए बाई, बोलो एस इंटू एस माइनस ए बाई बोलिए भाई, जैसे यहाँ पे आपने लिखा ना ए, सॉरी जो एंगल लेना है वही लेंगे ना, तो बी है तो यहाँ बी लेंगे, तो एस इंटू एस माइनस बी जो एंगल चल रहा है और बाई ए सी। ऐसे जैसे आपको टेन बी बाई टू लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ऊपर बचे हुए दोनों एंगल तो एस माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे एस के साथ सेम एंगल एस माइनस बी। अब ये टेक्निक समझ में आ रही सबको कि नहीं, कैसे हाफ एंगल के रिजल्ट लिखे जा रहे हैं, बोलो भाई। अरे हाँ या ना बोलिए, दिमाग में रखने की टेक्निक समझ में आई। इसके बाद लास्ट आता है एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, सब बेस इनटू हाइट पे ही हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिजल्ट देखो, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल में क्या है, ये एक ट्रायंगल है, अगर इसका बेस मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये इसकी हाइट हो गई एच और इसका बेस हो गया आपका ए, तो पहला तो एरिया यही हो गया वन बाई टू, यही बेस फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। अब जहां भी रिजल्ट यूज होगा इसी, बाकी सारे रिजल्ट इसी से निकाले जाते हैं। अब हाइट को अगर आप बी के टर्म में लिखोगे और इसको आप सी मान लोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वन बाई टू ए सी, ए और सी अगर आप ले लो तो बीच का एंगल साइन बी ले लो, या इसी को वन बाई टू ए ये वाली साइड बी ले लो तो ए बी साइन सी ले लो, या इसी को वन बाई टू ए नहीं बी सी ले लो तो उनके बीच का एंगल साइन ए ले लो। मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं। कैसे, कोई भी दो साइड ले लो और उनके बीच का एंगल तो बी सी साइन ए बाई टू, कोई भी दो साइड ले लो और उनके बीच का एंगल ले लो तो ए सी साइन बी, कोई भी दो साइड ले लो और उनके बीच का एंगल ले लो तो डायरेक्ट आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख सकते हो। सही है, अब इसी फॉर्मूले में अगर आप चलो तो 1 बाई टू सपोज ए सी ले लो, साइन बी को आप लिख सकते हो 2 साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, हाफ एंगल से ये रिजल्ट आपको पता ही है। साइन बी बाई टू कितना होता है, एस माइनस ए एस माइनस सी बाई ए सी का रूट नहीं, और ये कितना हो जाता है एस इंटू एस माइनस बी बाई ए सी का रूट, ए सी ए सी कैंसिल, तो यही डेल्टा का रिजल्ट हीरोज फॉर्मूले में क्या आ जाता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर स्मॉल एस का मतलब क्या होता है सेमी पैरामीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये भी रिजल्ट आप आराम से क्वेश्चन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब अगर ये रिजल्ट आप डेल्टा के टर्म में ये वाला रिजल्ट लिखते हैं है ना, तो यहाँ से आप अब अपने कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डेल्टा वाले रिजल्ट में फॉर्मूला लगा सकते हैं, है कि नहीं। अब अगर आपने कहा कि भाई टेन ए बाई टू का अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस एस, सॉरी ए है तो बचे हुए एंगल एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए होता है कि नहीं। अगर हम ऊपर नीचे एस इंटू एस माइनस ए से डिवाइड कर दें तो ये तो बन गया रूट दिस, तो ये डेल्टा हो गया डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, तो ये रिजल्ट भी आप टेन ए बाई टू का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें टेन ए बाई टू का एंगल के टर्म में रिजल्ट यूज करना है तो डेल्टा बचे एस और एस माइनस ए, अगर हमें ऐसे ही टेन बी बाई टू का रिजल्ट यूज करना है तो डेल्टा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बचा बी माइनस सी तो एस इंटू एस माइनस बी, हमें टेन सी बाई टू यूज करना है तो डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं जहां जैसी सिचुएशन डिमांड होगी उसके हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। तो हाफ एंगल में आप इन सारे रिजल्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक दो ये तीन रिजल्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल के इम्पोर्टेंट हैं। सर इसमें डेल्टा रूट के अंदर है ना लास्ट में, तो डेल्टा ही हो गया ना पूरा, अबे रूट के साथ ही तो डेल्टा होता है, नहीं और ये तो बाहर आ गया ना स्क्वायर था तो बचा ये रूट के अंदर पूरा, ये डेल्टा हो गया नहीं। हाँ सर समझ गए कि नहीं बताओ। हाँ सर ये क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और बी सी और ए डी ऐसा है कुछ, ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये पैरेलल हैं और ये एंगल 90 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी 90 हो जाएगा। फिर एंगल आपको दिया हुआ है ए डी बी, एंगल आपको दिया हुआ है ए डी बी,
मतलब ये वाला जो एंगल आपको दिया हुआ है ना, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, बीसी लेंथ आपको दे रखी है पी और ये लेंथ आपको दे रखी है क्यू, और आपको ये वाली लेंथ एक्स कैलकुलेट करनी है, ये है क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल पता है तो यहाँ पर हम साइन रूल के बारे में सोच सकते हैं, बट इसके साथ हमें एक एंगल और चाहिए अभी, या तो ये या ये। अच्छा ये अगर पी है, ये क्यू, ये 90 है, तो ये वाली साइड लेंथ निकल आएगी कि नहीं बताओ। ये वाली साइड लेंथ तुरंत हमें मिल गई कितनी, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस ट्रेंगल में अगर हम साइन रूल सोचे तो ये साइड लेंथ पता है, तो ये वाला एंगल अगर हम कुछ ले लें, ये वाली साइड लेंथ और ये साइन रूल लगा सकते हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए हमें इस ट्रेंगल का यूज करना होगा, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पर तो अल्फा में सारे एंगल निकल आएंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये भी अल्फा, अब ये दोनों अल्फा थीटा, ट्रेंगल के हिसाब से ये एंगल पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा आ गया। अब हम ट्रेंगल ए डी बी में साइन रूल लगा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी डी अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए बी, जिसे हमें निकालना है, बाई साइन थीटा। तो यहाँ से जो ए बी की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, बी डी लेंथ दे रखी है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और साथ में कितना आ गया साइन थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा प्लस अल्फा। अब बस हमें अल्फा एलिमिनेट करना है क्योंकि बाकी तो सब पता ही है। तो ये आ गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये आ गया आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। अच्छा यहाँ से अगर ये एंगल अल्फा है इस वाले ट्रेंगल के अंदर, तो और ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहाँ से हम साइन थीटा और साइन अल्फा दोनों निकाल सकते हैं। साइन अल्फा कितना हो गया P बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस अल्फा कितना हो गया Q बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बस यही वैल्यू उठा के आप रख दीजिए। तो ए बी लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। है कोई ऑप्शन ए, दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ। तो हमने इस वाले ट्रेंगल में साइन रूल लगाने के बारे में सोचा क्योंकि हमें ये लेंथ पता थी, तो इसके सामने का एंगल लिया, ये एंगल पता था तो इसके सामने की साइड निकालनी थी, तो इसका मतलब हमने साइन रूल सोचा और उसी के हिसाब से हमने पूरा सिंप्लीफाई करके अपना आंसर दे दिया। देख लीजिए किसी को कोई, तो पहले वाले में तो सीधा आपने ट्रेंगल बनाया होगा, ट्रेंगल ए बी सी, बी और सी दोनों एंगल दिए हुए हैं, ए बी सी, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60, ये एंगल आपको दिया हुआ है 45, और डी जो है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:3 में, और आपको चाहिए बी ए डी, ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, ये चाहिए। तो बस दोनों ट्रेंगल में साइन रूल लगा दो, अगर इसको एक्स कह दो तो ये 3x हो जाएगा, तो इसका मतलब x अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डी अपॉन साइन 60, और यहाँ लगाओगे तो 3x अपॉन साइन बीटा है कि नहीं इज इक्वल टू ए डी अपॉन साइन 45। तो बस ए डी की वैल्यू निकाल के बराबर कर दो, तो एक्स रूट 3/2 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 3x बाई रूट 2 इंटू साइन बीटा आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा बाई साइन बीटा निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा 1/√6। देखियो जरा 1/√6, यही आंसर है ना ए। यस सर यही आया। गुड। अच्छा सेकंड वाले में कर लिया, सेकंड वाले में अगर देखोगे तो बी प्लस सी इक्वल टू 11 लैम्डा, सी प्लस ए इक्वल टू 12 लैम्डा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 13 लैम्डा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा बताओ, 18 लैम्डा आ गया। तो ए कितना आएगा यहाँ से 7 लैम्डा, बी कितना आएगा 6 लैम्डा, और सी कितना आएगा 5 लैम्डा। चेक करियो, अब ए बी सी निकाल लेंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। बोलो, तो सारे स्क्वायर बस ओपन करके रख दो, तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 5, यही आ रहा है देखो। यस सर। यस सर। ऐसे ही कॉस बी निकाल लो। यस सर, सारी वैल्यूज पुट करने स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, ऐसे ही कॉस सी निकाल लो, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। बताओ सारी वैल्यूज क्या आ रही है अलग अलग, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बाई 2 इंटू 35, और ये आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू 42। बोलो,
तो यहां से अब आंसर बताओ, कॉस ए कितना आ रहा है क्विक, कॉस बी कितना आ रहा है और कॉस सी कितना आ रहा है, फिर रेशियो निकाल लेंगे। जल्दी बताओ व्हाट इज कॉस ए। हाँ ये टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई भाई, बस इस पूरी चीज को आपने लैम्डा रख के एबीसी लैम्डा के टर्म में निकाला, सीधे कॉस रूल लगा दिया इसके साथ। हाँ बताओ कॉस ए कितना आ रहा है अगर सॉल्व करो, कितना है कॉस ए सॉल्व करके जल्दी बताओ, कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों, कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकाल लिया। अब आप 35 बराबर कर दो, इसका मतलब कॉस ए बाई 7 इक्वल टू कॉस बी बाई 19 इक्वल टू कॉस सी बाई 25 सेम होगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया अभी रिसेंटली इस टाइप का, तो उसमें आपको सेम यही लॉजिक लगा के सिंप्लीफाई कर देना था। ट्रायंगल एपी बनाते हैं, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी आर इन एपी, तो बी एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है, ए बी सी आर इन एपी, तो जो एंगल बी है वो हमेशा 60 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एंगल्स एपी में है तो बी एंगल हमेशा 60 होगा। तो एक एंगल को आप क्या लोगे 60 माइनस डी, और एक एंगल को क्या लोगे 60 प्लस डी, वो क्या ग्रेटर है क्या नहीं है वो आप समझ लीजिएगा। बट अगर एंगल्स एपी में है तो एक एंगल जो बीच वाला एंगल बनेगा एबीसी में, वो एक एंगल जो होगा वो हमेशा कितना आएगा 60 डिग्री, एकदम सेट कर लीजिए। हाँ है ना, तो जैसे आपने कहा ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं और एक एंगल कितना है 60 है, तो तुरंत आपको बी एंगल 60 डिग्री मिल गया, क्योंकि एबीसी किसमें है एपी में दिए हुए हैं। आपने कहा ना कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल किसमें है भाई एपी में। हाँ या ना, अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, डन बोलो भाई। अच्छा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ एंगल बी दिया हुआ है, तो इसको हमें एंगल बी के टर्म में किसी तरीके से लाना होगा। हमारा एम सिंपल सा ये है कि ये किसी तरीके से एंगल बी के टर्म में आ जाए, जैसे ही एंगल बी के टर्म में आएगा हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग, अब ध्यान से देखना, ए ठीक है ना, ए इंटू साइन सी कॉस सी टू बाई सी प्लस सी टू साइन ए कॉस ए, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बताओ, बाई ए, अच्छा साइन सी बाई सी और साइन ए बाई ए सेम होगा कि नहीं बताओ। इसको एज अ कॉन्स्टेंट करके हमने कॉमन कर लिया, टू बी ए कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा ए कॉस सी और प्लस सी कॉस ए, देखो अच्छा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए किसके बराबर होगा, प्रोजेक्शन से बी के बराबर होगा, तो ये टू के बी के बराबर होगा कि नहीं बोलो। अरे हाँ या ना, अच्छा k को हम चाहे तो अपने हिसाब से चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि k तो सेम था ना, k क्या था साइन ए बाई ए साइन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू साइन बी बाई बी लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू बी, बी और बी कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई टू साइन बी, बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 रूट 3 बाई 2, तो आंसर रूट 3 आ गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ भाई, इसमें हमने साइन रूल का यूज किया है कि नहीं, बोलो भाई ये बात कितने लोगों को समझ में आई भाई, साइन सी बाई सी साइन ए बाई ए, इसको हमने साइन बी बाई बी लिख दिया है, समझ रहे हो कि नहीं, और ए साइन सी सी साइन ए को हमने क्या लिख दिया है प्रोजेक्शन से, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए को हमने क्या लिख दिया है बी, इन्हीं दोनों को यूज करके हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल एपी में है तो मिडिल एंगल 60 लेना ही है, तो बस उसी 60 एंगल को यूज करना था, मतलब इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को हमें किसी तरह एंगल बी में लाना था, वही हम ले आए, सिंपलीफाई कर दिया आंसर आ गया। दिखा सबको अप्रोच।